गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हुआ है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उसी के अकॉर्डिंग आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें, अभिवादन स्वीकार करें। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 25x40 फीट्स का प्लॉट जो कि वेस्ट फेसिंग है। तो यहाँ ये 25x40 फीट का, मतलब इसकी जो फ्रंट है वो चौड़ाई जो है वो 25 फीट है और इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट है। तो 25x40 का ये प्लॉट है और ये वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। इसके अंदर जो अभी प्लान ड्रा किया है, एक मास्टर बेडरूम है जिसकी डायमेंशन 11x16 फिट रखी है और ये जो पोजीशन है ये साउथ वेस्ट है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सब प्लान डिस्कस करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो प्लान मैं वास्तु के अकॉर्डिंग आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, ये आप अपने जो आर्किटेक्ट हैं उससे ज़रूर सलाह लें। यहाँ मेरे थ्रू जो आपको आइडिया मिलता है या उसमें कोई आपके प्लान में मॉडिफिकेशन होता है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये एज इट इज़ आपको फॉलो नहीं करना है। ये आपको अपने आर्किटेक्ट या जो भी सिविल इंजीनियर है उसके साथ ज़रूर बात कर लें, राइट। तो ये जस्ट ओनली एक्सपीरियंस बेस है, तो जस्ट फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ 25x40 का ये प्लॉट है और ये वेस्ट फेसिंग है। वेस्ट फेसिंग मतलब ये इसका जो फ्रंट है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इसमें एक मास्टर बेडरूम है जिसकी डायमेंशन 11x16 है, 11x16 का ये कमरा है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। 11x16 डायरेक्शन ये वास्तु के अकॉर्डिंग है। दो टॉयलेट्स हैं और दोनों ये साउथ डायरेक्शन में है। कार पार्किंग के लिए गैरेज रखा है एक और वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। लिविंग रूम जो है, जो ड्राइंग रूम जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है 1। किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है 1 और स्टेयर्स जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज उनको लिया हुआ है। जो फ्रंट स्पेस छोड़ा गया है घर के बाहर वो 3 फीट छोड़ा गया है और बैक साइड में वो 4 फीट के आसपास है। तो वहाँ का इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अब ये प्लान मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ तो आप इसको चेक कर लीजिए पहले। ये फ्रंट है इस साइड में, राइट। यहाँ आप इसको फ्रंट को देख रहे हैं और ये फ्रंट आपका वेस्ट डायरेक्शन में, ये मैं लिख चुका हूँ, और ये 3 फीट के आसपास ये जगह छोड़ी हुई है। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये कॉर्नर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितनी डायमेंशन ली है वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं लिया है इस ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ आप ये तीन बॉक्स को अंदाज़ा ले सकते हैं कि 1, 2, 3 इस तरीके से ये, और ये हाफ है, दैट मीन्स आधा फीट, और ऐसे ही बाद में आधा फीट ये कंसीडर किया है। तो टोटल ये 40 बॉक्स कंसीडर किए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ किचन की, तो किचन आपका इस कॉर्नर में है, ये कॉर्नर आपका किचन है और यहाँ जो डायमेंशन इसके यूज किए हैं वो 6 फीट की है चौड़ाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लेंथ वाइज 11 है, 6x11 की आप बोल सकते हैं कि आपकी किचन है, राइट। ये 6x11 की। तो यहाँ इसका गेट जो है ये कर्व शेप में आप इसको ले सकते हैं, दैट मीन्स कि आर्क लिया हुआ है एंट्री पे, और इस साइड में ये जो बाहर की साइड है ये विंडो रखी है, और इस कॉर्नर ये जो आपका है ईस्ट फेसिंग है, ये दीवार जो है वो ईस्ट फेसिंग है जैसे कि लिख मेंशन कर दिया है।
ये आपका स्टोव यहाँ रखा है, और इस साइड में जो कोई खाना बनाएगा, लेडी जब खाना बनाएगी घर की जो लेडीज हैं, तो उनका फेस जो होगा ईस्ट डायरेक्शन में होगा। चूल्हा आप इस कॉर्नर, ये कॉर्नर जो है आपका चूल्हे के लिए है, और सिलेंडर आप इधर नीचे रख सकते हैं साउथ डायरेक्शन में। और जितना भी आपका ग्रेन या कुछ हैवी जितने भी आइटम हैं वो आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी आप स्लैब वगैरह यूज कर सकते हैं। इस साइड ये 2 फीट्स का किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि 2 फीट्स का ये है, तो 4 फीट आपके पास में ये स्पेस बचता है। इसको आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप इधर ये स्लैब वगैरह डालकर भी और स्पेस यूज कर सकते हैं, राइट। और ये आपका इस साइड में सिंक है, और ये ट्राई किया कि नॉर्थ डायरेक्शन में रहे, तो आप इसको थोड़ा सा डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये विंडो, ये सिंक, आपका ये स्टोव, इस साइड में आपका ये जो है सिलेंडर रखा है नीचे की साइड में, राइट। और ये बाकी जो भी ओवन वगैरह है आप इस साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं। ये आपका जो भी ओवन है या कोई इस टाइप के आइटम है, राइट। या फ्रिज भी आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एडजस्ट हो जाएगा इस जगह आपका फ्रिज, तो फ्रिज भी आप इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, राइट। अदरवाइज तो बाहर कहीं भी आपको जहाँ ठीक लगता है उस जगह पे आप रख सकते हैं। तो ये तो हुआ किचन, और ये हुआ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। डायमेंशन 6x11 है, तो 6 की बजाय आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन तब ये बाथरूम जो है टॉयलेट जो है छोटा पड़ जाएगा। लेकिन ये जो साउथ डायरेक्शन है, इसमें जो 2 टॉयलेट यूज किए हैं, तो उनको मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये मास्टर बेडरूम है, स्टेयर्स है, पार्किंग है, लिविंग रूम है, ये नेक्स्ट वीडियो में। और ये 1x1 करके इसके सभी सेगमेंट में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये अगर एक ही वीडियो में रखा तो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं 1x1 करके बता रहा हूँ। तो अभी मैंने किचन बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे कंपोनेंट्स बताऊँगा, राइट। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो मैं फिर कहूँगा चैनल एक बार फिर सब्सक्राइब करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, और फ्रेंड सर्कल के साथ में भी शेयर करें।